एक इमारत के निर्माण कार्य में अश्विन राउत और इब्राहिम राउत का नाम सामने आने के बाद क्या कहा है अश्विन राउत और इब्राहिम राउत ने, और जिस जगह पर ये इमारत का निर्माण हो रहा है उसके ऑनर हुसैन गुलबार ने अश्विन राउत के बारे में क्या कहा है, इस खबर में हम आपको सुनाएंगे। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा के जामा मस्जिद के पीछे हो रहे इमारत के निर्माण में मुमरा प्रभाग समिति की अध्यक्ष अश्विन राउत और इब्राहिम राउत का नाम इस इमारत के निर्माण में शामिल होने की ऐसी खबरें सोशल मीडिया में चल रही हैं, मगर वहीं अश्विन राउत और इब्राहिम राउत ने इस इमारत में किसी भी तरह से निर्माण में शामिल होने से इनकार किया है। सोशल मीडिया में आई एक वीडियो में जिसमें अश्विन राउत और उनके पति पर आरोप लगाया, लेकिन अश्विन राउत इब्राहिम राउत ने उस खबर को झूठा बताया है और अब अश्विन राउत ने उस वीडियो को लेकर सोमवार को कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराने के लिए जाएंगे। अश्विन राउत का कहना है कि मेरे पीछे लोगों से कह रहे हैं कि मुझे एक फ्लैट देने वाले हैं और कुछ पैसे, ऐसी खबरें उनके सामने आई हैं। लेकिन अब कौसा जामा मस्जिद के पीछे बन रही इमारत के टेनेंट खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि ये इमारत में हम लोग रहते थे और 4 साल से बेघर थे, हम लोगों ने खुद ये इमारत बना रहे हैं, जो हम टेनेंट है परवेज फार्मा उर्फ पप्पू हमारे पीछे पड़ा हुआ है और हमें काफ़ी परेशान भी कर रहा है। अश्विन राउत इब्राहिम राउत ने साफ कह दिया है कि हमारा उस बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया में कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में अश्विन राउत और इब्राहिम राउत ने क्या कुछ कहा है? जो ये बिल्डिंग जो बन रही है उसमें जो आप लोगों का नाम सामने आ रहा है, तो क्या ये बात सच है कि आप लोगों का नाम उसमें है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वो आदमी मुझ पे क्यों आरोप कर रहा है ये वही बेहतर जाने। अब ऐसा है कि ना तो वो बिल्डिंग से मेरा कोई लेना देना है, ना मेरे शौहर का लेना देना है। अब वो जानबूझकर बार बार यही जताना चाहता है कि इब्राहिम राउत इसके बिल्डर है और अश्विन राउत प्रभाग समिति अध्यक्ष है। क्या उसने दीवा प्रभाग समिति में जाके कंप्लेंट किया है या दीवा प्रभाग समिति के अध्यक्ष से उसने कोई सवाल किया है? बेबुनियाद कोई भी किसी पे भी आरोप करे तो ये गलत बात है। मैंने उनके उस बेबुनियाद आरोप के लिए अपना लेटर जो है, कंप्लेंट लेटर जो है, मैंने चौकी में भी दी हूँ और जहाँ जहाँ उन्होंने मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट की है, जहाँ से मुझे फ़ोन आया था, तो मैंने उनको रिप्लाई अपना भेजा है जवाब, क्योंकि मेरा उस बांधकाम से दूर दूर तक संबंध ही नहीं। और ये आदमी ने मेरे खिलाफ़ बिला वजह बेबुनियाद सिर्फ और सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए, और हो सकता है उसका इंटेंशन हो कि वो जगह पे से उसको कुछ मिले, जैसा कि आजकल तो मुमरा में ये चीज़ आम हो गई है, बहुत से लोगों पे खंडनी हुई है, कितने केसेस हुए ये सब मामले में, आप लोगों ने तो देखा ही है मुमरा कौसा का हाल, कि आए दिन इल्लीगल बांधकाम कोई शुरू होता है, कोई किसी के ऊपर कंप्लेंट करता है, फिर वहाँ से कुछ ले लेने का और फिर वो खामोश हो जाने का। लेकिन इस बार वो आदमी ने जो किया है वो पूरी तरीके से गलत काम किया है, क्योंकि मेरा जिस चीज़ से संबंध ही नहीं है, ना मेरे शौहर का इल्लीगल बांधकाम से संबंध है। और रही बात इब्राहिम राउत, मेरे शौहर जो है वो एक समाज सेवक है, प्रभाग समिति के अध्यक्ष मैं हूँ, नगर सेविका मैं हूँ, और बेबुनियाद किसी पे आरोप लगाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। अगर उनके पास प्रूफ है तो वो मेरे ऊपर गुनाह दाखिल करे, अगर नहीं है तो मैंने पुलिस से कहा है कि अगर उसका ये गलत है तो उसके ऊपर आप गुनाह दाखिल करो, क्योंकि मैंने उसके ऊपर मानहानि का दावा भी दाखिल करने वाली हूँ मंडे के दिन। मैंने उसको नोटिस भेजी हूँ कि बेबुनियाद तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है तो तुम इसके लिए माफ़ी मांगो, अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी 48 घंटे में तो मैं आपके ऊपर केस कर दूँगी। अच्छा, आप केस जो करेंगे किसके ऊपर करेंगे, कौन कौन से लोगों के ऊपर करेंगे? ये जो अब्बास फार्मर नाम का कुछ, क्या नाम है उसका, परवेज अब्बास फार्मर करके जो है उसके ऊपर, क्योंकि वो क्लियर मेरा नाम ले रहा है हर जगह पर, मुझे बदनाम कर रहा है। आज एक अच्छी इमेज है मेरी, मैं 12-13 साल से नगर सेविका हूँ, इतने सालों में कभी ऐसा हुआ नहीं, और हर बार इलेक्शन के 2 साल पहले मेरे विरोधी पक्ष वाले जो रहते हैं वो इलेक्शन से 2 साल पहले ऐसी सब तैयारियां करते हैं। यानी आपका कहना है कि जो निर्माण हो रहा है इसमें आप लोग किसी भी तरह से शामिल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह का आरोप क्यों लगा रहा है? अब वो वही जाने ना, उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। उसने लास्ट में एक जुमला मेरे ख्याल से कुछ बोला है कि प्रभाग समिति अध्यक्ष जो है और क्या हॉकर्स लोगों पे कार्रवाई होती है,
और उसका अभी उसमें क्या पर्सनल है वो वही जाने। अभी जो मानहानि का दावा आपके ऊपर आरोप लगा है, तो आगे आप इसके ऊपर किस तरह का जो है कार्रवाई करेंगे? मैं जो है उसके ऊपर मानहानि का दावा दाखिल करूंगी कोर्ट में। इसके अलावा मैंने पुलिस हमारे मुमरा पुलिस चौकी में भी जाकर मैंने जो है उसके ऊपर FIR दाखिल करने की मांग की है। ये अब्बास फार्मर है, एक्चुअली है कौन? ये तो समाज सेवक है, RTI एक्सपर्ट को क्या है वो? देखिए अभी मैं अपनी जबान से कहूँ तो गलत बात होती है। मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको यही बात बताई कि किसी को ब्लैकमेल करके फायदा उठाना, यही उन लोगों का काम है। यानी आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या वो लोग? तो अभी मेरी बेइज्जती करके उसको क्या मिलने वाला है? यही कि कुछ पैसा मिलेगा या कोई चीज मिलेगी। और पर्सनल वो एक बिल्डिंग का, सुनिए, मुमरा कौसा में वो जो है पर्सनल एक बिल्डिंग पे ही, जबकि वो दीवा प्रभाग समिति आता है तो वो दीवा प्रभाग समिति के अध्यक्ष पे आरोप नहीं करते हुए लोकल जो नगर सेविका है, नगर सेवक है वहाँ के, उनके ऊपर आरोप न करते हुए वो मुझे क्यों टारगेट कर रहा है? आप ब्लैकमेल कर रहे थे तो क्या वो आपसे कभी कुछ किसी चीज को लेकर मांगने की है? उसको मौका ही नहीं मिला ना, उसने मेरे खिलाफ जब गलत अल्फाज इस्तेमाल किए तो मैंने तो उसके ऊपर डायरेक्ट वो दावा ही कर दिया ना। वाया वाया लोगों की तरफ से वो बोल रहा है कि अश्विन राउत मुझे फ्लैट दे रही है, अश्विन राउत मुझे 10 लाख का ऑफर कर रही है। भाई मैं क्यों करूँ उसको ऑफर, जब मेरा किसी बांधकाम से ही संबंध नहीं है, मेरे पास के इतने जहाज तो लगे नहीं है पैसे के कि मैं उसको उठा के कुछ भी दे दूँ। वो यानी पता नहीं उसका इंटेंशन क्या है कि शायद मैं उसको उस बिल्डिंग में कुछ दिलाऊं। तो आपका कहना है कि वो आपकी बिल्डिंग में ही है? नहीं है, ये बिल्डिंग जो थी ना वो महानगर पालिका ने धोखादायक बोल के तोड़ी थी, जो 30 से 40 साल पुरानी थी, खस्ता हाल हो गई थी, जिसको महापालिका ने धोखादायक बोलकर तोड़ी हुई थी। इब्राहिम भाई आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप बिल्डिंग के जो है वो फाइनेंसर हैं। अरे भाई एक आदमी के मुँह में जबान है, मैं भी अभी किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकता हूँ बिना तहकीक के? किसी के बारे में भी कुछ बोलना ये सही है क्या? मैं उसका कोई फाइनेंसर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो बिल्डिंग के बारे में आप जाके आप उन लोग से भी पूछ सकते हैं जो उसके ज़मीन मालिक है और जो उसके ऑनर्स है और जो बेचारे टेनेंट्स है, दुकानदार है, उन लोग से भी जाके आप इसके बारे में मालूम लो क्या बाबा ये बिल्डिंग कौन बना रहा है और इसको फाइनेंस कौन कर रहा है। वो आपको दूध का दूध पानी का पानी इंशाल्लाह वहाँ जाके होगा। और वो बिल्डिंग के बारे में जैसा भी अश्विन ने बताया क्या, वो बिल्डिंग करीब 30 साल या जितने भी साल पुरानी होगी। आप वो बिल्डिंग धोखादायक हो गई, उसको बिन बिल्डिंग बन के भी किसी ने पहले शायद वो लिया था डेवलप करने, अभी एग्जैक्टली मैं उसका नाम नहीं बोल मालूम है। पूरी बिल्डिंग 2-3 साल से खोल के ऐसी बेघर होके टेनेंट्स पड़े थे। बार बार बेचारा साये का युग जगताप साहब उनको आके बोल भी रहा था कि बिल्डिंग, मेरे पास खुद हमारे पास उसकी तकरार आ रही थी, बिल्डिंग बोले तोड़ रहे भी नहीं और हमको भी तोड़ने नहीं दे रहे। ये किसका बोलना था? साये का युक्त का ऐसा बोल रहा था, बिल्डिंग तुम भी नहीं तोड़ रहे हमको भी नहीं तोड़ने दे रहे। तो वो लोग ने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग खुद बनाएंगे इसको। या अभी आप उन लोग से भी इस बात को पूछो ना, ये बगैर की तहकीक के किसी के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाने का। और मैं भी किसी को भी फ़ोन करके बोल सकता भाई इसमें यार फला आदमी का पैसा लगा हुआ है और ये बना रहा है, तो ये क्या सही बात हो गई क्या? ऐसा हो सकता है क्या? गलत बात है, सारी फुकड़ का आरोप लगा रहा। मैं भी उसके ऊपर जैसे उसने पहला लेटर दिया मैंने आके सहायक आयुक्त किया, उसकी कंप्लेंट किया कि ये ऐसा ऐसा मेरे ऊपर आरोप कर रहा है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट हम लोग ने किए। अभी कल का वीडियो भी उसने डाला है, उसके ऊपर भी मैं अभी FIR कराने के लिए मैं वकील से रात में बात करके आया हूँ। ये पप्पू अब्बास फार्मर करके परवेज हाँ उसको पप्पू बोलते हैं, उसका नाम है परवेज, उसने ये किया है। वहीं अब टेनेंट इस पूरे मामले को लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवाएंगे। जहां ये इमारत बन रही है वो दीवा प्रभाग समिति के हद में है। इस जगह पर पाकीजा मंजिल थी जिसमें 20 फ्लैट 12 दुकानें थी, मगर इमारत धोखादायक होने की वजह से मनपा ने करीब 4 साल पहले इसे खाली करा दिया था। करीब 2 साल पहले ऑनर हाजी मोहम्मद हुसैन गुलबार ने बताया कि हम लोगों ने खुद इमारत को तोड़ दिया था और करीब 6 महीने पहले से इस इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है। लोगों के पास घर नहीं है, लोग काफ़ी परेशान हैं किसी तरह से उन्हें अपना घर मिल जाए, मगर परवेज फार्मर उर्फ पप्पू ने इस इमारत को बनाने को लेकर काफ़ी परेशान कर दिया है और ऑनर हुसैन गुलबार ने इस पर क्या इल्ज़ाम लगाए हैं वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है और चार साल से हम लोग घर से बेघर हैं,
म्यूनसिपाल्टी कार्रवाई करने को आ रही थी, हम लोगों ने उनको रोके ताकि आप मत तोड़ो, हम तोड़ेंगे खुद, हम सब बिल्डिंग वाले मिल के ये काम चालू कर रहे, और इसमें कोई किसी का कोई रोल है नहीं। जिस तरह से जी उन लोग क्या वो लोग नहीं, हमने किसी को नहीं दिए, हम लोग किसी को नहीं दिए, हम लोग इसमें इसमें कोई रोल नहीं है, ये हम लोग खुद है या हम लोग घर है, बिल्डिंग वाले सब बिल्डिंग वाले निकाल रहे ले पैसा, और हमने दिए बनाने के लिए, मतलब कॉन्ट्रेक्टर को दिए है, जिसका तो आता नहीं है बनाने, जिसका नाम वो ये है, उसका क्या नाम था, नबील भाई नहीं, सुजा भाई, सुजा भाई हमारा कॉन्ट्रेक्टर है, लगा तो आप सुजा भाई को पूछ सकते हो, हम लोग इनको पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग तो कॉन्ट्रेक्टर हैं, हम लोग कौन, 4 साल हो गए थे हम लोग घर से बेघर थे, क्योंकि म्यूनसिपाल्टी ने उसको धोखादायक बताई थी, और 2 साल पहले म्यूनसिपाल्टी आ भी रही थी, जिसका जोशी साहब जो है दीवा प्रभा समिति के अध्यक्ष है, वो आए थे इधर 4-5 बार तोड़ने के लिए, फिर भी हम लोग ने उनको क्या बोले, साहब हमारा घर तुम आप मत तोड़ो, हम तोड़ेंगे खुद, और हम सब बिल्डिंग वाले बनाएंगे, तो बोले जल्द से जल्द तुम तोड़ो, तो हम लोग ने तोड़े, और तोड़ के फिर हम लोग ने वो सुजा भाई कॉन्ट्रैक्टर को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिए ले, और इसमें इब्राहिम राउत या आशीर्वाद राउत इन लोग का इसमें कुछ रोल नहीं है, लेना देना ही नहीं हमको, हमको लेना देना नहीं, वो हमारे गाँव वाले हैं, हम लोग हमारा जाती पैसा निकाल के खा खुद ही बना रहे हैं हम लोग, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, ये हमारी है, हमारी बाप दादाओं की जमीन है, लगा तो इसके पेपर डॉक्यूमेंट्स में आपको दे सकता हूँ, इमारत थी 4 माले की इमारत थी, धोखादाई आप लोगों ने खुद तोड़ा और हम निर्माण जी 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 हम लोग खुद बना रहे हैं, ये सब हमारे रूम वाले, इसमें टेनेंट रहते थे कम से कम 14-16-20 टेनेंट थे, और दुकान वाले है वो अलग है, 12 दुकान है और 20 फ्लैट है। कभी क्या आप लोगों को किसी तरह से कुछ डराया धमकाया जा रहा है, एक हमारे इधर जी हमारे इधर एक पप्पू करके है, वो पुलिस का खबड़ी है मेन, और उसका कोई काम धंधा नहीं, वो वैसे ही बिल्डरों के पास जाता है वसूली करने को मांगता है, तो हम लोग ने हम लोग के पास में भी आया था, तो हम लोग क्या बोलेगा, गाँव वाले से तू ले रहा है क्या, गाँव वाले से ले रहा है, तो उसने जाके कंप्लेंट कर दिया, वो मांग कर रहा है एक फ्लैट का मांग कर रहा है, 2 लाख रुपए कैश दो हमको, नहीं तो मैं म्यूनसिपाल्टी में कंप्लेंट करूंगा, मैं आशीष राउत से कंप्लेंट करूंगा, इब्राहिम राउत का, हाँ पुलिस स्टेशन में शिकायत करने का है, अभी मतलब यूट्यूब पे आया था वो कल, तो आप लोगों से अगर उसने कुछ मांगने की थी तो उसकी शिकायत आपने पुलिस में की, नहीं नहीं किया हमने, उन्होंने बोले अभी तक तो ये गाँव वाले है, ये सब नहीं लिए, ये इतना करने वाला है हमको नहीं पता था ये बात को, यानी ऑर्डर ने भी अश्विन राउत और इब्राहिम राउत के इस इमारत के निर्माण में शामिल होने से इनकार किया है, वहीं अश्विन राउत ने भी अब अपनी बदनामी को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।